जमशेदपुर के जुगलसलाई थाना अंतर्गत तपाड़िया अपार्टमेंट पीछे एक बुजुर्ग की संदिग्ध मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि बुजुर्ग राम प्रसाद काफी दिनों से यहां रहते थे और बगल के मंदिर में साफ सफाई का काम करते थे, जहां आसपास के लोगों द्वारा दिया गया खाना खाकर गुजर बसर करते थे। उधर बुजुर्ग की मौत की सूचना मिलते ही दंडाधिकारी सविता टोपनो जलबल के साथ पहुंची और शव की जांच के बाद ही अंतिम संस्कार की अनुमति देने की बातें कही। वैसे आशंका ये जताई जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान बुजुर्ग खाना नहीं मिलने से बीमार पड़ गए और इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। शायद उनकी मौत हो गई है, तो फिर हमें यही डायरेक्शन मिला है कि जो मौत हुई है उनका पहले स्वाब टेस्ट होगा, उनका रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार करना है। तो जैसे यही सरकार का आदेश है, किसी की मौत होने पर सरकार को ज़रूर से जो संबंधित पदाधिकारी उनको ज़रूर से इन्फॉर्म करें और जैसा उनका आदेश हो, उनका निर्देश हो, उसी के तहत उसी की तरफ से काम करें और पहले किसी की मौत होने पर ज़रूर से संबंधित थाना या संबंधित पदाधिकारी को इन्फॉर्म करें।